नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है, डार्क स्पॉट पर करोड़ों खर्च फिर भी अंधेरा क्यों। साल 2016 में चंडीगढ़ शहर में क्राइम और सड़क हादसों को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य डार्क स्पॉट को खत्म करना था, इसलिए शहर भर में करीब 9,500 डार्क स्पॉट्स को चिन्हित किया गया। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए करोड़ों खर्च किए गए। इसके बावजूद शहर में अभी भी सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां डार्क स्पॉट का सामान जो साम्राज्य कायम दिखता है। रात होते ही यहां अंधेरा छा जाता है जो हादसों को न्योता भी देता है। चंडीगढ़ में कुछ साल पहले सेक्टर 53 में गैंगरेप की घटना घटी थी और इसकी मुख्य वजह भी डार्क स्पॉट को ही बताया गया था, क्योंकि जहां घटना को अंजाम दिया गया वहां अंधेरा छाया हुआ था। कई सड़क हादसे भी डार्क स्पॉट की वजह से हुए और इतना ही नहीं, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं तो आम हो गई हैं। तो 2016 में डार्क स्पॉट्स पर एक प्रोजेक्ट बना, 12,000 करोड़ की राशि इसके लिए तय की गई, खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ में कई ऐसी जगहें हैं, सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से रात होते ही अंधेरा छा जाता है, लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से कई बार हादसे भी होते हैं और कई बार इस कारण से अपराध भी बढ़ते हैं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है और साथ साथ हमारे साथ आईटीवी नेटवर्क के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, ओवर टू। धन्यवाद सिद्धू साहब, धन्यवाद कैम साहब, धन्यवाद बजिंदर जी, आप लोग आए और चर्चा का कारण ये है कि शहर में अपराध की कई घटनाएं हो रही हैं। अभी पीछे के दिनों में रात का समय आजकल कोविड के दौरान वैसे भी थोड़ा सा सुनसान होता है और जब इस सुनसान में कहीं बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई चीज होती है, तो हमारे आपके सबके परिवारों के लिए खतरा है और जब सबके लिए खतरा है तो निश्चित रूप से हम सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से उस खतरे से बचें, किस तरीके से शहर को बचाएं, किस तरीके से बाकी सबको सुरक्षित करें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एक सजग नागरिक की हैसियत से भी और एक जिम्मेदार पदों पर बैठे होने के कारण से। मैं सबसे पहले बलजिंदर जी के पास जाऊंगा कि 12 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था 2016 में जो ये शुरू किया गया था, इसके अलावा इसको अलग से 12 करोड़ रुपया दिया गया था, जबकि पूरे शहर में लाइटिंग की जो व्यवस्था के लिए अलग एक कंपनी को ठेका दिया गया था। हालांकि अलग से इसकी जरूरत नहीं थी, उसी में ही शामिल था, लेकिन फिर भी अलग से दिया गया और दिया गया। उसके बाद आज की डेट में भी करीब करीब 9,000 डार्क स्पॉट हैं और रेगुलर अब लोग, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साइकिलिंग और दूसरी पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चीजें कही, उसके बावजूद जब आप लोग रात को चलते हैं तो तमाम सारी घटनाएं होती हैं, तमाम सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि साइकिल ट्रैक भी टूटे हैं तो कई जगह पे उसमें खड्डे में गिरते हैं, तो डार्क स्पॉट के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही है। बलजिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो इस तरह से है इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं, आप क्योंकि सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका क्या मानना। सबसे पहले तो जी इंडिया न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप डार्क स्पॉट की बात कर रहे हैं, पहले तो एक इन्होंने जो कंपनी को काम दिया है 12 करोड़ रुपए का, वो कंपनी को कभी कंप्लेंट करे एक एक महीना तो वो बल्ब चेंज करने ही नहीं आते, कम से कम एक महीना लगता है एक बल्ब चेंज करने का। आप डार्क स्पॉट की बात कर रहे हैं, ये 12 के 12 करोड़ लगता मेरे को फजूल हुए हैं, कोई उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वो डार्क स्पॉट आज के आज जो 2-3 साल से सेम डार्क स्पॉट वही चल रहे हैं, सब लाइट बंद पड़ी हैं, क्राइम बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं कि सिटी को साफ कर रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये आप 12 करोड़। अब तो सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च रही है, जो अब प्रोजेक्ट आया ना जो सड़कों का जो कैमरे का, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 12 करोड़ तो मेरे हिसाब से चंडीगढ़ के लिए एक लाइक पीनट है। जो कंपनी को दिया भी है प्रोजेक्ट वो 50% फेल है। जो लाइट लगाई वो सिर्फ डार्क स्पॉट को स्पेशली जो चिन्हित किए गए थे उनको लेके था। जो सिर्फ डार्क स्पॉट आप बोल रहे हैं वो वैसे के वैसे हैं, अभी सारे डार्क स्पॉट वैसे के वैसे ही पड़े हैं, कोई उन पर काम नहीं हुआ, वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट चेंज हुई है, कोई काम नहीं हुआ। मैं कैन साहब के पास आना चाहूंगा। कैन साहब, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं,
आप नगर निगम सदन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने क्यों नहीं इसको लेकर के बोला और क्यों इसकी लड़ाई लड़ी? क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम कॉलोनियों में ही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं जगह पे है जहां पर लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। सेंसर अपना माइक ऑन कर ले। हाँ जी शुक्ला जी, सबसे पहले नमस्कार जी आपको। बहुत अच्छा लगा आज की जो डिबेट है चंडीगढ़ में, बहुत ये जरूरी थी इस विषय पे बात करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे भी, जो 9000 डार्क स्पॉट है ये 2016 में जब बीजेपी के यहाँ पर मेयर बने थे, उसके बाद उससे पहले कांग्रेस की हमेशा ही ये कॉरपोरेशन रही है। जब बने तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक जुमला कह सकते हो वो दिया, अभी एक डार्क स्पॉट है उसको खत्म करने के लिए हम एक नई ये व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में मैं बता दूं भी 41,000 के करीब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो चंडीगढ़ में पॉइंट्स लगे हुए हैं, उसके लिए कंपनी को जो ठेका दिया गया जैसे अभी बिट्टू जी ने बताया, और उसके साथ उसको 5 साल की मेंटेनेंस भी दी गई है। आप देखिए किस तरीके से ये लोगों ने मतलब भी पैसे का दुरुपयोग किया, और उसके बदले में इसलिए उनको 5 साल की मेंटेनेंस दी गई भी 41,000 जो डार्क जो लाइटें हैं चेंज करने के लिए भी, उससे बिजली जो बचेगी एलईडी बचेगी जो बल्बों से वो उसका हमारे को बिलों में रिवर्समेंट मिलेगी, कॉर्पोरेशन को बिजली के बिलों में फायदा होगा। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, 1 रुपये का भी कॉर्पोरेशन को फायदा नहीं हुआ। उल्टा आपको बताऊं मैं दूसरी बात, 2018-19 में 10 करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी डार्क स्पॉट के लिए हमारे को दिया था। हम बार बार बोलते रहे हैं, 3 बार मतलब 19 में भी 20 में भी, और इसकी प्रोविजन की गई है बजट में। बजट की कॉपी मैं साथ में लाया हूं आज, आप देखेंगे बजट में प्रोविजन की गई है 21 करोड़ की, लेकिन ये खर्चने के लिए कहते हैं सिर्फ हम 6 करोड़ खर्चेंगे। क्यों? कारण इसका यह है भी इनका धरातल पे काम करने का कोई मन ही नहीं है। आज आपने जैसे बताया सेक्टर 53 वो मेरे वार्ड में आता है, गैंगरेप की घटना घटी थी, और आपको मालूम होना चाहिए भी बीजेपी ने जब से आए हैं उस समय से ही ये जितने डार्क स्पॉट है चाहे वो पार्कों की लाइटें, आज पार्कों में लोग घूमने जाते हैं छीना चपटी होती है, वहां पर छोटे जो बुजुर्ग जाते हैं वहां पर उनकी कोई बाली खींच लेता है। वो कांग्रेस के समय में भी सालों से पार्क ही थे, कोई पार्क नए नहीं बने हैं, पार्क उतने ही हैं। उस समय कोई ऐसा कोई कानून व्यवस्था में या कोई कॉर्पोरेशन की इलगिली मतलब ऐसा काम नहीं होता था, पर लेकिन इन्होंने उस तरीके को जो पहले लाइटें लगी हुई थी उन्हीं को ठीक करने के लिए, असल में देखा जाए उन्हीं को ठीक करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें ये टेंडर प्रोसेस किए हैं। और जैसा बिट्टू जी ने अभी बताया था, मैं बिल्कुल उनकी बात का सहमत हूँ भी। आप देखिए आज क्या कर रहे हैं, वो 41,000 जो डार्क जो लाइटें हैं उसको चेंज करने का अलग से टेंडर, और डार्क स्पॉट के लिए अलग से टेंडर, और जो पार्कों में लगी हैं लाइटें मतलब उसको चेंज करने का अलग से टेंडर मतलब, और कभी कोई सड़क की कोई री कारपेटिंग होती है। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सिद्धू साहब, दोनों लोगों ने बताया आपके ऊपर आरोप लगा कि आप लोगों का जब से नगर निगम में प्रभुत्व हुआ है, जब से आप उसमें सत्ता में आए हैं, केंद्र में आप सत्ता में है ही, उसके बाद जो बजट है बजट में बंदर बांध करने के लिए बेसिकली ये खेल किया गया। ना आपका काम था कि आप अंधेरे से दूर करें शहर को, ना उन स्पॉट्स को और उनको सही करने के लिए आप करें, तो आपके ऊपर ये है। और जब बजट में प्रोविजन हुआ तो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है? आप खुद भी सीनियर डिप्टी मेयर है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी नमस्कार सभी को। शुक्ला जी पहले तो मैं इस चीज को थोड़ा कैंट साहब ने जैसे बताया तो इसमें थोड़ा सा इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं। पहले तो अभी इन्होंने कहा कि जब से 2016 से हमारी भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, हमारी सरकार सत्ता आई है तब से ये उसका कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कैंट साहब को ये कहूंगा जो 70 साल से इनकी पार्टी ने अंधेरे में पूरे शहर को ही नहीं पूरे नहीं, ये लोकल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लोकल पे कहाँ पे चले गए आप? या 70 साल का नहीं जा रहे हैं कैंसर? अब सुनिए ना, 70 साल में कहाँ चले गए? सुनिए, आपके पास फिर आएंगे।
तो आपने जब कहा हम भी सुन रहे थे, मैं तो आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ये शुरुआत आपने 70 साल में ना जाओ आप, हमने आप जब 16 से आप पार्टी की बात कर रहे हैं, हम भी पार्टी की बात कर रहे हैं। कैंसर अब शुरू कर देना जी बिट्टू जी, चलिए जो इसमें जो कैंसर ने बताया ना जी, इसको दो इशू हैं, ये इसको मिक्स ना किया जाए। जो है एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट को एलईडी में कन्वर्ट करना, जैसे बिट्टू जी ने कहा, कैंट साहब ने कहा, वो क्या था कि जो हमारी वो एक सेंटर सरकार की योजना थी, बहुत ही पॉजिटिव योजना थी विश्व में, जो हम एक एलईडी एनर्जी कंजर्वेशन की ओर जो देख रहे हैं सारी दुनिया में, उसके तहत मोदी जी जो लेके आए थे कि हमें एलईडी की तरफ हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए, जिसके तहत जो था शहर में सोडियम हैलाइड जो 400 वॉट के बल्ब थे, या जो सीएफएल के बल्ब थे ट्यूबलाइट से 40 वॉट की, उनको चेंज करके 18 वॉट यानी 40 वॉट की जो ट्यूब है उसी का उतनी ही इल्यूमिनेशन जो लक्स लेवल की 18 वॉट की एलईडी में चेंज किया गया। वो कंपनी के साथ 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उन्होंने फ्री में एक हमारा सिंगल पैसा कॉरपोरेशन का उसमें नहीं लगाया, वो कंपनी जो है भारत सरकार की है, उसने हमें फ्री में वो शहर पैसा तो सरकार दे चाहे वो दे चाहे सर, किसी ने नहीं दिया है, पैसा तो मैं बताता हूँ उसने कैसे बहाया गया, लेकिन लोगों को तो मिला नहीं ना। मैं बता रहा हूँ जी कैंसर, मैं उसको उसी का तो बात कर रहा हूँ, नहीं वेस्ट जो मनी है ये सारा, नहीं मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, वो जो 7 साल का हुआ, वो जो 41,000 लाइटों की बात हो रही है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट थी उनको सीएफएल सोडियम हैलाइड और जो वो एनर्जी कंज्यूमिंग बल्ब थे उनको चेंज करके एलईडी लैंप लगाए गए इस कंपनी द्वारा। तो उन्होंने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट ये किया था, जो हमारा एग्जिस्टिंग जो एमसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि लगभग 9 करोड़ के करीब महीने का है स्ट्रीट लाइट का जो हम देते हैं, उसी के अंदर हमने एडिशनल पैसा कुछ नहीं देना, हम उतना ही बिल दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो हमारे लिए नई फिटिंग सारी लाइट्स उन्होंने चेंज की, हमारे ऊपर एक नए पैसे का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया, और हमें एक एनर्जी कंजर्वेशन की ओर देश जो हम कहते हैं कि एनर्जी पूरे देश के लिए वो तो एक हमारे रिसोर्स है एनर्जी। अब दूसरी बात डार्क स्पॉट की आते हैं जी, डार्क स्पॉट की अभी 9,310 डार्क स्पॉट है, ये पहले लगभग 12 करोड़ का था, बाद में एनहेंस होके 17 करोड़ का हो गया, और इसमें एडिशनल जो है 1,000 डार्क स्पॉट और लिए गए हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बिट्टू जी ने भी कहा कि कई जगह इन्होंने शायद वो एग्जिस्टिंग लाइटों की बात की है कि चल नहीं रही हैं, तो एटलीस्ट ये एग्री तो कर रहे हैं, इस चीज का खुद एडमिट कर रहे हैं कि लाइटें लगी हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि लाइटें नहीं लगी। और जहाँ 43 तो नहीं लगी है ना, लगी है सर, लगी है, बिल्कुल लगी है, उसका मैं बताता हूँ। दो हजार सत्रह में जब एग्रीमेंट किया था वो EESL ट्रिपल ESL कंपनी जिन्होंने हमारा ये स्ट्रीट लाइट चेंज की, एग्जिस्टिंग फिटिंग चेंज की थी, उन्हीं को ये भी दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट कि आप डार्क स्पॉट भी लगाएं, लेकिन उन्होंने बाद में 2019 में गार्डन लाइट्स भी थी इसमें कि जो एग्जिस्टिंग गार्डन लाइट्स चेंज करनी, तो उन्होंने 2019 में हमें वापस लिखा, उन्होंने शायद 2-3 बार टेंडर किया उनका, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा, तो उन्होंने लिखा कि आप अपने लेवल पे काइंडली खुद कीजिए, कॉर्पोरेशन करे। 2019 में कॉर्पोरेशन ने टेंडर किया, 20 में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और सारा अभी बहुत तेजी से काम चल रहे, शहर में लगभग 60-70% लग चुकी है, और बिट्टू जी महेश जी कह रहे हैं कि 60-70% लाइट लग चुकी है डार्क स्पॉट में। क्या आप पूरे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आप बताइए आपने क्या देखा है, लग चुकी है 70%, 60%, 50%? अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं लग रही है, वो पिछले 5 साल से कह रहे हैं। मैं तो आई एम शॉकिंग अबाउट 9 करोड़ रुपए साल वो कंपनी को दे रहे हैं महीने का, ये 500 बताया 17 करोड़ हो गया है उसका अलग से मंथली नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली बिल, वो बिजली का बिजली डिपार्टमेंट को दे रहे हैं जी, और उन्होंने बचाया कितना जो एज पर एग्रीमेंट है वो सिद्धू साहब बता रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट दे रहा है कि वो कंपनी को हम दे रहे हैं,
सर हम तो जितनी पेमेंट एमसी करती है उतनी ही पेमेंट कर रही है, वो जो हाँ इलेक्ट्रिसिटी में जो सेविंग हुई है वो सिद्धू जी मैं बताता हूँ टाइम की सीमा होती है जी। तो बिट्टू जी डायरेक्ट स्टॉक से आते हैं, आपको क्या लगता है कि 70% 60% या 50%? सर डायरेक्ट स्टॉक लग गई है, अभी सिर्फ 10-15% लगी होगी मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं लगी। हर 5 साल हो गए हैं उसने तो डार्क स्पॉट जो बैलेंस पड़े और बढ़ गए होंगे डार्क स्पॉट। सर हम तो कह रहे हैं इस साल काम शुरू, इसी साल काम शुरू हुआ, नहीं काम शुरू हुआ 5 साल से कह रहे हैं ना सर, हम तो कह रहे हैं इस साल काम शुरू हुआ, मैंने सारा टेंडर तो हमने 5 साल पहले दिया ना, नहीं अभी हुआ। बिल्कुल जो सिद्धू साहब ने कहा है वो बिल्कुल सरा झूठ है। आज 10-15% सिर्फ डार्क स्पॉट की जो लाइटें चेंज की है इन्होंने जो लगी हैं वो भी आप देखिए, उसका आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, पैसा कितना खर्च हुआ है इसके ऊपर, पैसा तो सारा इन्होंने बहा दिया पानी की तरह। अब थोड़े दिनों बाद ये कहेंगे क्योंकि जो आने वाले 3-4 महीने के बाद तो ये चले जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ, जैसे वो 9 करोड़ की बिल की बात कर रहे थे, उन एमओयू में ये बात हुई थी भी वो जो 9 करोड़ हम इनको देंगे कंपनी वो बिल अदा करेगी, लेकिन उसके बदले में हमारे को कुछ पैसा भी बचा के देगी। आज तक इनसे पूछे सिद्धू साहब से हमारे को कितना फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ कारपोरेशन को? कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, कारपोरेशन के अधिकारी किसी की कंप्लेंट नहीं सुनते हैं। आप अगर कंप्लेंट करनी है तो उसको करनी पड़ती है, कंपनी को करनी पड़ती है, क्योंकि ठेका उनको जैसे इन्होंने क्या 7 साल के लिए मेंटेनेंस का दे दिया, तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी तो सुनते ही नहीं है, तो लोग तो बेचारे फोन कर करके थक जाते हैं। इससे पहले व्यवस्था ठीक थी, कम से कम लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अधिकारी की बनती थी, आज तो वो अपने घर में बैठ के जाके फाइनल कमेंट के लिए कि जिस तरीके से फैन साहब ने कहा, बिट्टू जी ने कहा कि 10-15% ही लगी है, नंबर एक ये है। दूसरी चीज ये है, प्रॉब्लम आई कि जो एग्जिस्टिंग लाइट है उनमें है, जो कंप्लेंट का आपने सिस्टम दे दिया कि प्राइवेट को तो वो प्राइवेट कर नहीं रही है और जनता को तकलीफ हो रही, पैसा जा रहा जी। हर एक लाइट की कंप्लेंट के लिए महीना महीना लगता है। सिद्धू साहब देखिए, पहली बात जैसे अभी दोनों हमारे बिट्टू जी और कैन साहब बता रहे हैं, इन्होंने एटलीस्ट एडमिट किया ना 10-15%, मैं तो कह रहा हूँ 60-70% लग गई है, अभी इसी साल लगनी शुरू हुई है और 15 अगस्त तक हम जो है पूरे शहर को जगमग देखेंगे। जी नहीं मैंने उसका टाइमलाइन बताया जी, 2017 में इसका जब हमने एमओयू किया, उसके बाद 2019 में वो कंपनी वापस हमारे पास आई कि जी हम जो है हमारे से ये नहीं हो पाएगा, आप अपने लेवल पे खुद कीजिए, कॉर्पोरेशन को 2019 में उन्होंने बोला, हमने अपने खुद और कैन साहब हमारे सदन का हिस्सा है, उन्होंने ब्रीच किया तो क्या उन पे पेनल्टी वगैरह लगाई थी, कुछ किया था उनको? सर जब वो उनको अलॉट होगा तभी पेनल्टी होगी, जब किसी को टेंडर अलॉट होगा तभी हम पेनल्टी लगाएंगे, वो टेंडर अलॉट ही नहीं हुआ किसी को तो उन्होंने, और कैन साहब तो हमारे सदन का हिस्सा है खुद, उसमें साल उन्होंने बर्बाद कर दिया कंपनी ने। तो उसके बाद जैसे ही 2019 में हमारे पास उन्होंने वापस लिखा, हमने अपने एंड में सदन में पास किया कि ठीक है कॉर्पोरेशन अपने एंड पे खुद लगाएगी, और 2020 में कोरोना चला, सभी हम देख पूरे देश भर में क्या पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ऐसे हर चीज, हर फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ बंद। तो उसके बाद इस साल मैं खुद कह रहा हूँ, इस साल मेरे वार्ड में भी लगी, कैन साहब के वार्ड में भी लगी, बिट्टू जी रहते हैं सारे शहर में, लग रही है 15 अगस्त तक हम बहुत अच्छे शहर जगमगाएगा जी और सारी लाइटें पूरी लग जाएंगी। समय की सीमा है, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि महेश जी ने बोला कि लाइट्स लग जाएंगी, अंधेरे से दूर होगा, जगमग होगा, लेकिन ये दुखद है कि इतना वक्त बर्बाद हुआ, इतना पैसा बर्बाद हुआ उन सारी चीजों को लेकर के, निश्चित रूप से शहर का नुकसान हुआ, इस दौरान जो अंधेरे के कारण अपराध हुए, लोग शिकार हुए, तमाम सारी लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुई वो निश्चित रूप से दुखद है और उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा और चीजें सुधारी जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, बड़ी रही इंडिया न्यूज पंजाब के साथ।